हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सबसो न्यूज। जैसे आपको पता ही होगा, पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि स्टार प्लस का शो चीकू की मम्मी दूर की अपने कम टीआरपी के वजह से ऑफर जाने वाला है। पहले जो स्टार प्लस का एक्चुअल डिसीजन था, ओरिजिनल डिसीजन था, वो ये था कि चीकू की मम्मी दूर की 7 जनवरी को ऑफर जाएगा और इसे रिप्लेस करेगा स्टार प्लस का न्यू अपकमिंग शो चांदनी। लेकिन अब स्टार प्लस का डिसीजन चेंज हो चुका है और चीकू की मम्मी दूर की शो को मिल चुका है एक्सटेंशन। छोटा एक्सटेंशन नहीं, शो को मिला है 3 महीने का एक्सटेंशन। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि शो के मेकर्स को नोटिस मिल चुका था कि अगर शो का ऐसा ही टीआरपी रहा तो शो आने वाले टाइम में ऑफेयर जा सकता है। शो का पूरा कास्ट एंड क्रू काफी ज्यादा निराश थे, लेकिन सडनली स्टार प्लस ने अपना डिसीजन कर लिया है चेंज और चीकू की मम्मी दूर की शो को मिल चुका है 3 महीने का एक्सटेंशन। स्टार प्लस इस शो से 1.5 प्लस का टीआरपी एक्सपेक्ट कर रहा था। स्टार प्लस चाहता है कि जितने भी ऑली टाइम स्लॉट में शोज आते वो भी जो है स्टार प्लस को अच्छा टीआरपी लेके दे, जो यहाँ पर चीकू की मम्मी दूर की और विद्रोही शो नहीं कर पा रहा। अगर बात करें स्टार प्लस के रिमेनिंग शोज के बारे में, तो जिंदगी मेरे घर आना का अगर ऐसा ही टीआरपी रहा तो शो आने वाले टाइम में ऑफेयर जा सकता है। वहीं पर साथ निभाना साथिया सीजन 2 का टाइम स्लॉट हो सकता है चेंज। और अगर आपको नहीं पता तो इन 3 महीने के अंदर अगर चीकू की मम्मी दूर की शो का टीआरपी इंक्रीज होता है तो शो को आगे और एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन अगर इन 3 महीने के अंदर शो का टीआरपी ऐसा ही रहता है तो आपको ये शो 3 महीने के बाद ऑफेयर होता हुआ दिख सकता है। और वहीं पर विद्रोही भी जल्दी ऑफेयर जाने वाला अगर शो का टीआरपी वैसा ही रहा तो। श्वेता कुछ अपडेट चीकू की मम्मी दूर की शो को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे चीकू की मम्मी दूर की शो फैंस के साथ। और ऐसे ही वीडियोस के लिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।